सूखा वाला नींबू आ गया है देखिए, और हमारे चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए नींबू का अचार बनाएंगे नए तरीके से, आप लोग भी देखिए और बनाइए और चैनल पे बने रहिए। चलिए देखिए नींबू को बनाते हैं। पहले इसको हम धो लेते हैं पानी से। इस सब नींबू के एक एक करके पोंछ लेंगे अच्छे से पानी, अब उसके बाद धूप में डालेंगे। देखिए ये सबको एक एक करके इसी तरह पोंछ लेंगे। और ये नींबू लाए हुए देखिए हो गया है कुछ दिन, मतलब 10-15 दिन हो गया है। इसका रस निकालेंगे और आगे प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और ये मिर्ची है, मिर्ची का भी बनाएंगे, इसमें भी नींबू डाल के बनाएंगे, इसको भी धो लेंगे। तो पोंछ के फिर दिखाते हैं आपको। पानी अच्छे से पोंछ लिए हैं कपड़ा से, और डंटी भी तोड़ दिए सबका, थोड़ा थोड़ा डंटी था क्योंकि ताज़ा नींबू था इसीलिए। अब इसको धूप में थोड़ा सा पानी सूखने देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। अभी धूप में रख देते हैं। और ये मिर्चा धो लिए हैं, धो के डंटी तोड़ लिए, देखिए अब इसको 10 मिनट धूप में रखेंगे। बहुत ज़्यादा धूप में भागते हैं। जब तक नींबू ऊपर में सूख रहा है पानी उसका, तब तक हम इसका रस निकाल लेते हैं नींबू का। तो चलिए दिखाते हैं आपको, ये सबको पहले कट कर लेते हैं। और नींबू को कैसे काटना चाहिए ये देखिए, ये बीच वाला नहीं कटना चाहिए, आप इस तरह से काट सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं, या तो फिर इसको साइड साइड इस तरह से काट सकते हैं, बीच नहीं कटना चाहिए, इस तरह से काट सकते हैं। इसका इधर दोनों साइड से काट लेंगे इस साइड। अब देखिए सब कट कर लिए हैं, अब इसको रस निकालते हैं इसमें डाल करके। एक बार में दो डालते हैं इस तरह से, नहीं एक तरह। देखिए कितना अच्छा रस निकल रहा है, इसी तरह सबको निकालेंगे। ले आए नींबू ऊपर से उठा के, धूप से सूख गया पानी जो सूखना था, अब देखिए एकदम ड्राई हो गया है। अब इसको छिलका उतारना है, तो कैसे उतारें तो बहुत सारा उपाय है। अभी नींबू का रस भी निकाल चुके हैं, देखिए इतना सारा निकला नींबू का रस। और इसका छिलका कैसे निकलेगा, आप कोई रुखड़ा ज़मीन पे घस सकते हैं, या तो कुछ ऐसा रुखड़ा चीज़ पे घस सकते हैं। हम देखिए इसमें करेंगे, इसका छिलका हटाएंगे तो जल्दी गलेगा, जब रसगुल्ला जैसा खाने में लगेगा। इसका हरा जो है छिलका हटा देना है, कितना अच्छा से घसा गया। इसका भी यूज कर सकते हैं आप, उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा सेंट आता है उससे। आप रुखा जमीन पे या सिल लोड़ी जो होता है उस पर भी घिस सकते हैं। एक एक करके पूरा घिसना है सारा नींबू को इसी तरह, तो आपको करके फिर दिखाते हैं। Meanwhile, नींबू का प्रोसेस आगे शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे डालेंगे। ये जार को पहले धो करके अच्छे से सुखा लिए, इसका पानी उनी सब साफ सुथरा कर लिए। अभी नींबू को भी छिलका सब उतार लिए, देखिए कितना सुंदर हो गया है। ये अगर 10-15 दिन छोड़ देंगे इसको धूप में, तो पूरा रसगुल्ला की जैसा हो जाएगा, लगे वाइट रसगुल्ला है उस तरह, इसीलिए छिलका हटा दिए। क्योंकि इसको कितनों साल रखिए खराब तब भी नहीं होगा। तो अब इसको भरते हैं इसमें, पहले नींबू को भरेंगे। नींबू अब डाल लिए इसमें, अब नमक डालते हैं। एक पैकेट मतलब 1 किलो नमक जाएगा। आधा उसमें देते हैं, इसमें मिर्ची में देंगे इतना। और ये देखिए नींबू का रस है, इसी से नमक को गलाएगा। और इसमें पानी नहीं डालेंगे, ये रस जो डाले हैं इसी से नमक को गलाएगा। और देखिए पूरा रस बन जाएगा इसको, अब 10 दिन बाद फिर आपको दिखाएंगे। आगे से काट लेते हैं ताकि इसमें अंदर रस घुस सकेगा। देखिए इस तरह से आगे का मुंह काट लेना चाहिए, इसी तरह सब मिर्ची काट लिए हैं। और नींबू को भी काट लेंगे इस तरह से, इस तरह करके इसमें भरे हुए।
देखिए ये सब खा करके बहुत ही मज़ा आता है एकदम। रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। और इसमें मिर्ची डाल देते हैं, और इसमें नमक डाल देते हैं, और इसमें नींबू का रस है वो डाल देते हैं। ये अपने नींबू पानी छोड़ेगा, सिर्फ इसको भिंगाने के लिए हम रस डाल रहे हैं, फिर पानी छोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये इस तरह हिला करके सब पूरे नमक को भिंगा लिए। अब इसको रखते हैं धूप में, दोनों अचार को धूप में छोड़ देंगे। अब डेली धूप में डालना है सबको, सब अचार देखिए धूप में रखा हुआ है, आज ज़्यादा धूप किया इसीलिए हम भी सूख रहे हैं धूप में। तो ये देखिए बन के तैयार, अभी तो तैयार नहीं हुआ है, अब 10-15 दिन इसको धूप में रहने देंगे, डेली धूप में डालेंगे, तो आपको एक बार दिखा देंगे जब तैयार हो जाएगा। तो एक महीने बाद एकदम रसगुल्ले की तरह बन गया है ये। आप भी नींबू को घस के बनाइए, कितना सुंदर बना है, एकदम रसगुल्ला की तरह है। और ये मिर्ची वाला है, इसमें मिर्ची डाले थे, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, आप लोग भी बनाइए, देखिए कितना सुंदर बना है, इसका छिलका उतार के बनाए हैं, एकदम गलगल करता है पूरा इस तरह। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।